इस रूम का जो हालत है मैं आज आप सबको डिटेल्स में दिखा रही हूँ। देखिए एसी है और साथ में ये सोफा के पीछे इधर है टीवी। आप लोगों को दिखाए थे एमआई स्टोर से हम लोग खरीदे थे। तो सारा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं वो भी इसके ऊपर ऊपर जमा हो गया है क्योंकि अभी रखने का बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए ये है हमारा वॉल क्लॉक। गुड मॉर्निंग। देखिए आज मेरे टोटल 12 फ्लावर्स आए हैं। वाइट फ्लावर्स बहुत ही अच्छा लगता है और इसका स्मेल बहुत अच्छा है। तो आज के ब्रेकफास्ट मैगी रेडी हो गया है और इतने हमारे चा रहे हैं। एबार हमारे लंच और डिनर देखो कि बनाच्छी। सो आज के स्पेशल डिश की बोलो तो एटा होच्छे भटूरे। তৈরি হওয়ার পর এত সুন্দর লাগছে যে আমি ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে শেয়ার করছি। দেখো প্রতিটা ভাটুরে ফুলেছে আর পুরো স্ট্রিট ফুডের মতোই বা রেস্টুরেন্টের মতোই একদম লাগছে দেখতে। খেতেও দারুণ হবে। আজকের লাঞ্চ ডিনার দারুণ জমে যাবে ছোলে ভাটুরের সাথে। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে ভিডিও মে মেয়ে শেয়ার করনে ওয়ালি হু কিচেন কা ডেকোরেশন ফাইনাল লুক কেসা হ্যায়। মেরে প্রিভিয়াস ভিডিওস মে দেখে থে कि बेरी बंच और फ्रॉस्टी व्हाइट कलर का माइका चॉइस हम लोगों ने किया था। किचन का लुक पूरा चेंज हो जाएगा इसकी वजह से और नीचे का पोर्शन अलग हो गया, साइड में एक्स्ट्रा किचन एक्सटेंड हो गया, तो इस सब के लिए किचन पूरा एकदम नया बनने वाला है। और पहले का जो कैबिनेट था उसके ऊपर जो माइका था वो हम लोगों ने चेंज करवाने का डिसीजन भी लिया है, वो भी आप सबको पता है। तो वो जो माइका लगेगा वो कैसे प्रोसेस से लग रहा है स्टेप बाय स्टेप आप सबके साथ मैं आज शेयर करूंगी। कार्पेंटर भैया लोगों ने कैबिनेट सभी को उतारा और जब उसको खोल दिया तो अंदर का सामान सब दिख रहा था, सब में धूल लग गया जिसको मुझे काम खत्म होने के बाद अच्छे से साफ करना है। पर इस बीच में जो खाना बनेगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा जितना साफ सफाई रख के जितना कर सकते। रोज रोज तो किचन का पूरा सब चीज अंदर साफ करके फिर खाना बना नहीं सकते। माइका लग के पूरा कैबिनेट लग जाएगा तब एकदम लास्ट में ये किचन का साफ सफाई करेंगे। तो अभी जो किचन का लुक है देखिए कितना गंदा लग रहा है, मतलब अंदर जो है सभी दिख रहा है, कैबिनेट का सभी पल्ले खोल चुके हैं। इसको जो माइका हम लोग इसके ऊपर बैठाएंगे, एक बहुत ही मजबूत वाला गम आता है उसके द्वारा ये लोग माइका को इसके ऊपर चिपकाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि पहले वाला जो माइका है उसको उठा सकते, उसको उठा के फिर दूसरा माइका जो हम लोग अभी लगा रहे हैं उसको लगाएंगे। सो हम लोगों ने फर्स्ट वाला डिसीजन लिया जो कि है जो माइका है उसके ऊपर गम लगाने के बाद जो नया माइका है वो माइका लगाने का है। वो किचन में बैठने वाला है माइका तो वो होगा टब क्लॉथ माइका जो कि ज्यादा मजबूती, मतलब ज्यादा दिन लॉन्ग स्टे करेगा, जल्दी खराब नहीं होगा पानी से भी और हीट से भी जो होता है किचन में। नॉर्मल जो अब पहले था माइका उससे ज्यादा क्वालिटी बेटर हो रहा है और थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्चा हो रहा है इसकी वजह से। और मुझे पहले से ही था कि मेरा किचन का कलर वाइन कलर जैसा कुछ हो, मरून चेरी कलर जैसा कुछ हो, और व्हाइट तो था ही, व्हाइट के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये है पैनलिंग, ये मेरा किचन है। अंदर जाएंगे किचन के तब ऐसे ही पैनलिंग है, अंदर से जाने से एक अलग लुक देगा किचन का। वुडन वाला लुक हम लोगों ने चॉइस किया है और इसी का ही टीवी कैबिनेट में भी लग रहा है।
जो लग चुका है और नीचे भी। और ये किचन से लेके हॉल का जो स्पेस है वो भी पूरा भरा हुआ है सामान से, माइका, प्लाई और ये सारा कुछ इधर ही ऐसे बोर्ड रख कर ऐसे ही काम चल रहे हैं। और इधर जब उन लोगों का शाम तक काम खत्म हो जाता है तब पूरा हटा के और साफ करके फिर जाते हैं, और बाद में फिर मेरा भी मेड आ जाते हैं ये मशीन से कटिंग वगैरह ये सारा ऐसे फैला के। हॉल में सारा दिन काम चलता है और हम लोग को निकलना मुश्किल होता है। और ये जो क्लीन देख रही हूँ ये बीच बीच में पूरा धुआं धुआं हो जाता है हॉल। किचन का पल्ला अभी तक चेंज नहीं हुआ है, आप देखो कितना धूल है। ये देखो ये बहुत ही ज्यादा चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल। पूरा अंदर का जो सारा कुछ है निकाल के अच्छे से साफ करके फिर इसको रखना होगा। जब भी किचन का फुल लुक आएगा या हॉल का सभी दिखाऊंगी, साफ सफाई होगा, इतना गंदा होके रखा हुआ है। ये टेबल देखिए ना धूल है। ऊपर का माइका चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, साथ में यहाँ पे गैप भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है प्रोफाइल। और प्रोफाइल कौन सा चूज करना है, इस कलर के साथ कौन सा अच्छा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे तीनों को ऐसे सेट कर दिया है जैसे लगने वाले हैं। सो इसमें से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा इसी के साथ ये इसका होने वाला है। व्हाइट के साथ तो नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हम लोग ऐसे प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, ऊपर हम लोग जो है वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे जो कलर है वो है गोल्ड का कलर, और ये है रोज गोल्ड, और ये है सिल्वर। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल चॉइस किया है सिल्वर कलर जो सबसे ज़्यादा वाइन के साथ मैच हो रहा है। प्रोफाइल लग चुका है ग्लू से चिपका के, उसके ऊपर टेप लगा के ऐसे रख दिया है। इसके बाद जब ये कुछ देर बाद लग जाएगा, चिपक जाएगा, तब पल्ले को किचन में फिर से लगा देंगे। फिक्स करने के बाद किचन का जो लुक होता है, प्रोफाइल का जो सिलेक्शन है, माइका का कलर जो सिलेक्ट किया है, ये अब आप सबको कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ के किचन के अंदर जो और एक बेलकनी था, और यहाँ पे किचन जहाँ पे सिंक बाहर का स्कर्टिंग अभी लग रहा है, ये स्कर्टिंग नहीं लगा हुआ था अभी तक, किचन का एक्सटेंड हो चुका है। ये किचन के अंदर से दूसरा जो बन चुका है बेलकनी का लुक कुछ ऐसा है। पैनलिंग इसमें भी माइका लगेगा, पर इसमें दूसरा कुछ लगने वाला है क्योंकि किचन का ये वाला पार्ट दूसरा पार्ट ना लगे, होल किचन लगे। अलमारी तो बन ही रहा है, कैबिनेट बन रहा है।
और आपको दिखाए थे हम वीडियो में कि ये जो पाइप है चिमनी का, ये चिमनी का पाइप इसके पीछे से, बॉक्स के पीछे से यहाँ से निकलते हुए ये कवर हो जाएगा और नहीं दिखेगा, और इसके पीछे से निकलते हुए यहाँ से वॉल पे होल करके निकाला गया है। इधर भी वॉल पे होल करके निकाल के इस बॉक्स के अंदर से होल करके एकदम बाहर का तरफ फेस है और बाहर निकाल दिया है। ये एल्युमिनियम का पाइप बहुत ही मजबूत रहेगा और बाहर तरफ से उसको जाली लगा के बंद करके ताकि इसके अंदर कोई पंछी या फिर कोई इंसेक्ट अपना घर नहीं बना सके। ये वाला बालकनी बहुत गंदा स्मेल आता है इससे, क्योंकि चिमनी का इधर तक ही था पाइप, गैस और मसाला तेल सब गिरता भी था और साथ में ये वाला पोर्शन बालकनी का बहुत गंदा हो चुका था। सॉल्यूशन, ये कवर भी हो जाएगा, ये कुछ आप सबको नहीं दिखाई देगा। जब ये फुल बन के रेडी हो जाएगा, इसका फाइनल लुक भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये पाइप लाइन है जिसका कुछ ही दिन पहले ये चिमनी का होल करने वक्त यहाँ से दीवार टूट के नीचे गिरा था और ये वाला पाइप के ऊपर गिरने के वजह से टूट के सारा घर में पानी पानी हो गया था। तो अभी तो नया तरह से सब पाइप बन चुका है और ये बहुत ही मजबूती है। तो ये जो है ये हमेशा यादगार रहेगा। बारे में आप सबको बताती हूँ कि चिमनी का काम भी देखिए, चिमनी यहाँ से हटाया गया है, चिमनी के पीछे वाला दीवार थोड़ा सा रिपेयर होगा और वहाँ पे प्लाई भी बैठेगा। चिमनी भी बहुत गंदा हो चुका है, इसके ऊपर धूल चिकनाई ये सारा साफ करने के बाद और वहाँ पे दीवार पे जो प्लाई लगने वाला है वो ही यहाँ पे बन रहा है। तो ये सभी आपको वीडियो में शेयर करूँगी और चिमनी क्लीन करके फिर चिमनी को लगाने के बाद जो लुक आता है वो भी आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो प्लाई है इसके ऊपर व्हाइट कलर का माइका लगेगा। चिमनी जो है पूरा क्लीन कर चुके हैं, इसको अभी पहले वाला पोजीशन में बैठा देंगे। पर चिमनी के दोनों साइड में कैबिनेट बन रहा है, एक साइड में ऑलरेडी था पर दूसरा साइड में यहाँ पे देखिए पल्ला नहीं लगा है, ये कैबिनेट नहीं था, नया बनाया गया है। और दोनों साइड का कैबिनेट और पूरा लुक नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप सबको। यहाँ पे जो टेप दिख रहे हैं ये जब उठाया गया तो इसको फेंक देने वाले थे, तो इसी से ये सुंदर सा क्राफ्ट का चीज़ बनाया है हमारे एक कारपेंटर भैया ने। और ये जो सारा टेप है इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ये हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे कैबिनेट के अंदर से निकाला है बाहर के तरफ की कैबिनेट का पल्ला बंद करने के बाद चिमनी का पाइप नहीं दिखाई देगा। और चिमनी का पाइप के लिए अलग से कैबिनेट में कुछ जगह भी स्पेस भी लग गया है, सेफ्टी भी जरूरी है, वो सेफफुली अंदर से अच्छे से गया है। और सबसे मेन पार्ट जो ये है, चिमनी का पाइप का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसको रिपेयर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पल्ले अगर खोल लेते तो अंदर पूरा पाइप है और इसको रिपेयर का कोई भी काम चेंज करना कुछ भी कर सकते, फिर पल्ले बंद करके इसको बंद कर सकते। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, आइडिया है, ये कैसे होता है, होने के बाद कैसा लगता है, सभी वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोग मेरे चैनल में कंटिन्यू होम डेकोरेशन का काम ही देख रहे हो। जितना जल्दी होम डेकोरेशन का काम खत्म होगा उतना जल्दी मैं नेक्स्ट सारा बहुत सारा कॉन्टेंट लेके आने वाली हूँ। बहुत सारा कुछ सोच के रखे और बहुत सारा
वीडियो बना भी चुकी हूँ। जितना जल्दी घर का काम खत्म हो जाएगा उतना जल्दी मैं नया कंटेंट पोस्ट करने वाली हूँ, और मेरे आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए। अगर ये वीडियोस आप सबको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।